दोस्तों विधि को अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए देव करने वाला है यामिनी को कॉल। देव का कॉल स्पीकर पर रहने वाला है जिससे कि विधि देव और यामिनी की बातों को सुन सके। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यामिनी देव और विधि को कोई भी सच्चाई बता पाती, अपनी सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी और वो बेहोश हो जाएगी। विधि को लगेगा कि देव उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाएगी और देव के सामने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यामिनी के वापस आने से सिचुएशन सुधर जाएगी या फिर सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी? अपने विचारों में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।